हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोनम का सफ़र में। और आज मैं आपको लेके आई हूँ खेतला जी नमकीन प्लेनेट में। ये शॉप एक बेकरी की होलसेलर दुकान है। यहाँ पे होलसेलिंग में पूरी तरीके से आपको वॉफल्स, जिसको हम बोलते हैं ना सूखा नाश्ता, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ये देखिए हर तरह के, और इतनी अच्छी क्वालिटी में, और सब ताज़े रहते हैं, तुरंत बन के यहाँ पे उनकी फैक्ट्री से आते हैं और यहाँ से तुरंत वो सेलिंग हो जाते हैं, और फिर दूसरे दिन वो नया अपना माल जमा लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको बासा नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको सब चीज़ ताज़ी और सबसे अच्छी क्वालिटी में मिलती है। और हम यहाँ पे हमेशा शॉपिंग के लिए आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक झलक मैं इसकी भी आपको दिखा दूँ। तो इसकी भी आपको जानकारी होगी कि बेकरी की भी एक ये होल सेलिंग की दुकान रहती है, जो ये छोटी जगहों पर नहीं देखने मिलती है। तो मैं सोची क्यों ना ये भी आपसे मैं क्लिप साझा कर लूँ। ये हम हाईवे से जाने से पहले शूटिंग कर रहे थे, बट ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए बेकरी बिस्किट्स के भी बहुत सारे वैरायटियाँ हैं यहाँ पे। मुझे बेकरी का बिस्किट बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा, ख़ास तौर पे वो अजमाइन और जीरा वाला, तो वो मुझे इस बार यहाँ से मिल गया। और ये देखिए और भी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप देख सकें। और उसके बाद ये देखिए हम अपना चकली ले लिए, टूटी वाली चकली थी। और ये देखिए हम बिलिंग करा के यहाँ से निकल गए थे हाईवे के टूर के लिए, वो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो प्लीज़ अब आगे बढ़ते हैं, हाईवे से लौटने बाद हमने क्या किया वो देखिए आप। ये देखिए हम आ गए हैं मीरा रोड के सब्जी मार्केट में, या फिर आप बोलिए मुंबईया भाषा में बोल सकते हैं भाजी मार्केट में। मीरा रोड में ऐसा भाजी मार्केट तीन है, बट हम इसी मार्केट में आते हैं क्योंकि मुझे यहाँ की सब्जियाँ बहुत ताज़ी और किफ़ायती लगती हैं। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, मैं आपको मुंबई के ऐसी लाइफ से रूबरू कराना चाहती हूँ जो आप नहीं जानते हैं या आपने नहीं देखा है। आप मुंबई को बड़े बड़े बिल्डिंग्स, समुद्र और भी कई फेमस जगहों के कारण ही जानते होंगे या देखा होगा। मैं आप लोगों को एक अनदेखी मुंबई दिखाना चाहती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ दिखाना चाहती हूँ, मेट्रो सिटी की लाइफ दिखाना चाहती हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर आपको एक अनदेखी मुंबई से परिचय कराऊँगी, तो आप मुंबई को फिर ज़्यादा तरीके से जान पाएंगे और नए नज़रिए से देख पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे आपके ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है, आप अपना प्यार यूं ही बना के रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए हमारे साथ कुछ भाजी शॉपिंग करते हैं, सब्जियों की शॉपिंग करते हैं। और ये देखिए मैंने लेमन लेना चालू कर दिया है, नींबू लेना, तो आइए कुछ शॉपिंग करते हैं। ये देखिए हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, इतनी सारी भाजियाँ ले ली, और ये खुशी तो कुछ अलग ही होती है हर घरेलू महिला की। 100 रुपये में ये 40 रुपये बच गए, टोटल आई 80 रुपये की सब्जी। ये देखिए मुझे अपनी थकान की दवाई मिल गई, चाय। और जो चाय लवर है वो समझ सकते हैं कि कुछ भी काम के बाद हमें चाय की कितनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं भी बहुत चाय लवर हूँ। और यहाँ पे ये देखिए 12 प्रकार की चाय मिलती है इस शॉप में, हम अक्सर यहाँ पे आते हैं चाय पीने के लिए, और अच्छी भी रहती है यहाँ की चाय। और इसके बाद ये देखिए हम निकल गए शांति मार्केट की तरफ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक शांति मार्केट का टूर करा दूं, जो मीरा रोड का बहुत फेमस है। ये एक शॉपिंग मार्केट है, ये देखिए आप, क्लोजिंग का टाइम था तो अभी आपको सब, मगर मैंने फिर भी सोचा कि
जितनी भी शॉप खुली हैं मैं उतना ही आपको क्यों ना दिखा दूं, एक शॉर्ट ट्रिप ही क्यों ना दिखा दूं शांति मार्केट का, क्योंकि ये मीरा रोड में सच में बहुत फेमस है। और कभी हम ज़रूर यहाँ वक्त निकाल के आएंगे और आपको पूरा ब्लॉगिंग करके दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, किस किस रेट में मिलती हैं और कितनी किफ़ायती होती हैं। तो मैं ज़रूर इसकी भी एक ब्लॉगिंग करके आपको दिखाऊंगी, तब तक आप देख सकते हैं शांति मार्केट का एक शॉर्ट टूर। और ये देखिए ये मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। और ये अच्छा था कि ये रात का वक्त था, क्लोजिंग का टाइम था, तो आपको कुछ भी भीड़ नहीं दिख रही है और प्रॉपर तरीके से आप एक एक शॉप को देख पा रहे हैं। वरना मैं आपको सच बता रही हूँ कि यहाँ पे एक चींटी भी ना पैर नहीं रख सकती अपने, इतना रश होता है यहाँ पे शाम के टाइम पे। आपको शॉपिंग किया यहाँ पे आपको सिर्फ धक्के मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।